हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे, आप देख रहे हैं खबर गरम है। आज सियासी गलियारों में सबसे गरम खबर यह है कि आज एनडीए की तरफ से अमित शाह ने एक डिनर का आयोजन किया है। अब से थोड़ी ही देर बाद सभी मेहमान पहुंच जाएंगे और इस डिनर के दो हाइलाइट्स हैं। पहला हाइलाइट ये कि हर वो दोस्त, हर वो साथी जिसको बुलाया गया है, उसके पसंद की चीजों को इसमें शामिल किया गया है। जैसे कि अगर बिहार से नीतीश कुमार आ रहे हैं तो उनको लिट्टी चोखा पसंद होगा, सत्तू पसंद होगा, ये दोनों इंतजाम होंगे। उसी तरह महाराष्ट्र से जो आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट से जो आ रहा है, मोदी जी आ रहे हैं तो गुजराती व्यंजन होगा। इन तमाम तरह के व्यंजनों का इंतजाम तो किया ही गया है। कोशिश ये भी है कि सूची जो बने मेहमानों की, उस सूची से भी सबको चौंकाया जाए। जैसे नवीन पटनायक, उनसे 20 मिनट की बातचीत भी हुई है अमित शाह की, हालांकि वो आएंगे या नहीं ये तय नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। मतदान हो चुके हैं, मतगणना बाकी है, एग्जिट पोल हो गए, अनुमान लगा लिया गया, बस नतीजे बाकी हैं। लेकिन इन सब के बीच देश में हलचल तेज है, सब अपनी अपनी गोटियां सेट करने में लगे हैं। सियासी शतरंज में मोहरों के महारथी अपनी सेना संजोने में लगे हैं। एग्जिट पोल अगर सही साबित हुए तो बीजेपी बहुमत में होगी, लेकिन साथियों को साधने की साधना शुरू हो गई है। खुशी कहिए या डिजास्टर मैनेजमेंट, शाह का डिनर शाही होगा। वैसे भी दिल का रास्ता पेट से जाता है, ये कहावत तो सुनी होगी आपने। शाह के शाही दावत में हर आने वाले का विशेष ध्यान रखा जाएगा, सबकी पसंद का व्यंजन बनाया जाएगा। खबर है कि 35 व्यंजन परोसने की तैयारी है। मोदी के लिए गुजराती डिशेज होंगे, हालांकि उद्धव ठाकरे के पहुंचने पर संशय है, लेकिन महाराष्ट्र के पसंदीदा व्यंजनों में से एक पूरन पोली विशेष तौर पर शामिल किया गया है। ठाकरे इस वक्त यूरोप में हैं, उनके देर शाम मुंबई लौटने की उम्मीद है। ऐसे में अगर वो डिनर पर नहीं पहुंच पाए तो उनके प्रतिनिधि के तौर पर शिवसेना के सुभाष देसाई शामिल होंगे। बिहार के सीएम भी खास मेहमानों की सूची में अहम है, ऐसे में शानदार लिट्टी चोखे का इंतजाम किया जाएगा और सत्तू भी परोसा जाएगा। शाह के इस डिनर पार्टी में नॉर्थ ईस्ट के नेता भी शामिल होंगे, इस वजह से खास तौर से नॉर्थ ईस्ट के प्रसिद्ध व्यंजनों को शामिल किया गया है। साथ ही पंजाब के अकाली दल के नेता डिनर में आएंगे, इसलिए मेन्यू में पंजाबी तड़का भी असर दिखाएगा। हालांकि जितनी चर्चा मेन्यू की हो रही है उससे ज्यादा उत्सुकता मेहमानों की फहरिस्त की है। कुनबा विस्तार की कोशिश हो रही है, जो न एनडीए में है न यूपीए में है उनसे संपर्क साधा जा रहा है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से दूरियों को पाटने की कोशिश भी हुई। अमित शाह की पटनायक से 20 मिनट बात हुई, गिले शिकवे भुलाकर साथ आने को कहा गया, लेकिन अब तक बात बनी नहीं है। लेकिन सुगबुगाहट है, शाह मेहमानों की सूची से सबको चौंका सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।